हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो यहाँ पे है भाई विजन आईएस की करंट अफेयर पीटी 365 2022 की कल्चर की मैगजीन का लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 7 आपके सामने प्रेजेंट करने मैं प्रसन्ना वर्मा जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द रोल ऑफ साइंस। क्यों रहा न्यूज़ में पहले ये जानते हैं। देखिए अभी रिसेंटली हुआ ये है कि 2 दिनों का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द रोल ऑफ साइंस पे हुआ, इसे ऑर्गेनाइज करा गया। तो आप कहेंगे मैम इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, थोड़ी सी न्यूज़ और बताइए। देखिए दोस्तों ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ना, ये हुआ एज एन पार्ट ऑफ द 75th ईयर ऑफ इंडियाज नेशनल सेलिब्रेशंस को लेके। जो कॉन्फ्रेंस है उसे ऑर्गेनाइज करा गया CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के साथ, और एसोसिएशन इसमें था विज्ञान परिसर का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और विज ना ना भारती का मतलब विभाग का। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन फोकस था साइंस को एज अ टूल फॉर सबजुगेशन एंड लिबरेशन के तौर पे इस पर फोकस करना, रोल साइंटिस्ट का, इंस्टीट्यूशंस का, मूवमेंट का, पॉलिसी एंड प्लानिंग का और विजन साइंटिस्ट का भी डिस्कस किया गया। तो यहाँ देखते हैं साइंस एज अ टूल फॉर सबजुगेशन। देखिए साइंस एज अ टूल ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया, पहले स्ट्रेटजी मैं ये आपको समझाते हूँ। जो सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, ये आपका सर्वे ऑफ इंडिया जिसे फाउंड किया गया था 1767 में दोस्तों, ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया GTS जिसे 1818 में फाउंड किया गया था, और इंडियन रेलवेज जिसे 1853 में फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट ही कह लो। तो ये सारे के सारे इस्टैब्लिश करे गए थे एक्सप्लोर करने के लिए हमारे देश के अंदर के रिच मिनरल एरियाज को, इनका ट्रांसपोर्टेशन प्रेसिडेंसी टाउन जैसे कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में। तो उस समय साइंस को एज ए टूल यूज किया गया था फॉर ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन, ब्रिटिश एक्सप्लोइट करने के लिए इंडिया को ऐसे साइंस यूज कर रहे थे चीज़ों। और साइंस अपार्थीट ब्रिटिश राज के अंदर, वो आपको थोड़ा सा समझाते हो। इसमें आपके जो राधानाथ शिखदर थे, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हाइट को कैलकुलेट किया था हाईएस्ट माउंटेन की मतलब माउंट एवरेस्ट की। दूसरे नंबर पे किशोरी मोहन बंदोपाध्याय का इम्पोर्टेंट रोल रहा था डिस्कवरी में मलेरियल पैरासाइट की, जिसके लिए सर रोनाल्ड रॉस ने नोबेल प्राइज पाया। तीसरे नंबर पे शिव चुंदर नंदी जी, और इन्होंने एंड रेंडर्ड एक्सीलेंट सर्विसेज, एक्सीलेंट सर्विसेज दी ब्रिटिश सरकार को ड्यूरिंग द म्यूटनी ऑफ 1857 एज एन इंस्पेक्टर। हालांकि इनमें से किसी को क्रेडिट नहीं मिला है एंड डिस्क्रिमिनेट करे गए हैं लो सैलरी दे के, बिना किसी प्रमोशन वगैरह के। बहुत 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 खराब कराया भाई ब्रिटिशर्स के साथ में। अब यहाँ मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ में ना, ब्रिटिशर्स ने जो हरकतें करी वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग विद द इंडियंस। अब यहाँ पे साइंस एज अ टूल फॉर लिबरेशन, देखिए देखिए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोलना कैलकटा के अंदर, मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर इन ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये इस इंटेंशन से था कि हम और स्किल्ड और लर्न वर्कफोर्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यंग ब्रिगेड साइंटिस्ट का निकल के आ रहा था इन सारे इंस्टीट्यूशन से, और वो चाहता था कि ये स्मिथ को ये हिला के रख दे कि इंडियंस साइंटिफिकली नहीं सोच सकते, क्योंकि इनको, इन लोगों ने हम लोग को बहुत नीचा दिखा दिया था ना। I did not have logical thinking and could not do original research in prevailing field, जैसे कि उस समय था कि Indians क्या कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को इनका ये था कि हिला दूं मैं, इन चीजों को खत्म कर दूं। इसी के साथ जन्म हुआ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का इंडियंस के द्वारा। सबसे पहला IACS इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, दोस्तों इन्हें इसे इस्टेब्लिश किया था महेंद्र लाल सरकार के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम यहाँ पे इनेबल करेंगे नेटिव्स ऑफ इंडिया को कि वो कल्टीवेट करें साइंस को सारे ही अपने डिपार्टमेंट में,
व्यू ये था कि हम एडवांसमेंट करेंगे ओरिजिनल रिसर्च करके. अभी आई सीएस की शुरुआत हुई थी. सेवन फ्रंटलायर एरियाज ऑफ वर्क मेरे से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, सिस्टमैटिक बॉटनी में, सिस्टमैटिक जूलॉजी में, साइकिल फिजियोलॉजी में और जियोलॉजी में. दूसरे नंबर पे नाम आता है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कशॉप का. इसे इस्टेब्लिश करा गया आचार्य पीसी रे के द्वारा 1901 में और ये फाउंडेशन स्टोन था इसका इंडिजीनियस इंडस्ट्री का इन आर कंट्री. तीसरे नंबर पे बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की. इस्टेब्लिश करा गया यहाँ पे सर जमशेद जी नस्सर वांजी टाटा जी के द्वारा 1908 में ऑन द सजेशंस ऑफ स्वामी विवेकानंद जो कि उस टाइम पे किए गए थे ड्यूरिंग देयर वॉयज फ्रॉम जापान टू शिकागो इन 1893. उसके बाद कैलकटा मैथमेटिकल सोसाइटी इसको एस्टैब्लिश करा गया 1908 में अपॉर्चुनिटीज को जनरेट और कंट्रीब्यूट करने के लिए मैथमेटिक्स में बाय द इंडियन स्टूडेंट्स. उसके बाद बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एस्टैब्लिश करा गया बाय सर जगदीश चंद्र बोस इन 1917 हु वाज आल्सो डेडिकेटेड हिज इंस्टीट्यूट है ना हु आल्सो डेडिकेटेड दिस इंस्टीट्यूट नॉट मेरली अ लेबोरेटरी बट एक टेम्पल के तौर पे विच वाज लेटर नोन एज बसु विज्ञान मंदिर. बोस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिसिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे उस समय के. इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का. बोस जो थे इन्होंने अपनी लाइफ को जिया विद द इंडियन फिलोसफिकल थाट्स ऑफ वसु जो हम लोग कहते हैं ना आपको पता होगा कि जो है वासुदेव कुटुंबकम के बारे में. तो इन्होंने ये फिलोसफिकल थॉट पे हमेशा अपनी जिंदगी जी बाय नॉट पेटेंटिंग हिज रिसर्च इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. इन्होंने ऐसा नहीं करा भैया कि हम पेटेंट कर लें सब हमारा हक है ना जिसे भाई इंसानियत इन्होंने पहले रखी. ये जैसे अभी रिसेंटली इसका एग्जाम्पल समझिए कि कोरोना की जो मेडिसिन थी हाँ वो अच्छे वाले जितने थे उन्होंने पेटेंट कर रखी थी. जब जब दुनिया की बात आती है तो आपको पेटेंट नहीं देखना चाहिए लेकिन उन्होंने देखा तो इन्होंने ऐसा नहीं करा. एक मैन थे काफ़ी हाई कैलिबर था इनकी एक्सपेरिमेंट जो है डिस्कवर जो उन्होंने किया प्रूव करा इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को सेंसिटिविटी को प्लांट्स के अंदर अपने इनोवेटिव टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से. उसके बाद महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस मैक्स इंस्पायर्ड था बाय सरकार के जो IACS था उससे मैक को एस्टैब्लिश करा गया बाय प्रोफेसर शंकर पुरुषोत्तम अग्रहरकर के द्वारा पुणे में 1946 में. इस इंस्टीट्यूट को नाम दिया गया है इन्हीं के नाम पे 1992 में इसके नाम पे इनका नाम दिया गया है. इस इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है एज द अग्रहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर. ठीक है उसके साथ ये एक इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट थे और एक्सपर्ट थे बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पे इन्होंने डिस्कवर करा फ्रेश वाटर जेलीफिश को जनरली ये अफ्रीका में जो देखने को मिलती हैं. तो ये हमने कुछ इंस्टीट्यूट की बात करी. अब कुछ फेस्टिवल जो कि न्यूज़ में है उनके बारे में बात करती हूँ. देखिए फेस्टिवल का नाम आपको बताऊँगी. सबसे पहले पहला नाम है आपका पर्युषण और एंड दास लक्षण के बारे में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि US के प्रेसिडेंट ने एक्सटेंड कर दिया पर्युषण एंड दास लक्षण विशेष को टू जैन कम्युनिटी. ये फेस्टिवल्स होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए क्वालिटीज और एसेंस सोल का और ये मार्क करे जाते हैं बाय स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द 10 कार्डिनल वर्च्यूज फॉरगिवनेस चैरिटी सिंप्लिसिटी कंटेंटमेंट ट्रुथफुलनेस सेल्फ रिस्ट्रेंट फास्टिंग डी अटैचमेंट ह्यूमिलिटी एंड कॉन्टिनेंस. पर्युषण एक एनुअल 8 से 10 दिनों का पीरियड का एक फास्टिंग होती है मेडिटेशन होता है जैन वर्शिपर्स के लिए जिसे ऑब्जर्व कराया गया बाय श्वेतंबरा जैन. तो श्वेतंबरा जैन थे ना जो व्हाइट वाला पहनते हैं. दास लक्षण दस लक्षण कह लो दास लक्षण नहीं है दस लक्षण है रियली सॉरी दस लक्षण. ये एक दस दिनों का फेस्टिवल है ना दस लक्षण जो होता है आफ्टर द पर्युषण एंड ऑब्जर्व करा जाता है बाय दिगंबरा जैन जो न्यूड रहते हैं. उसके बाद जल्लीकट्टू की रही न्यूज में. जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु का दैट हैज ट्रेडिशनली बीइंग अ पार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ पोंगल. फेस्टिवल मनाया जाता है इन सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड थैंक्स गिविंग फॉर द बाउंटीफुल हार्वेस्ट ऑफ विच कैटल वर्शिप इज अ पार्ट.
यहाँ पे रेफरेंसेस है जल्लीकट्टू के संगम लिटरेचर में भी, बहुत पुराना है ये, पता है ना। साथ में रेफरेंसेस हैं बुल टेमिंग के देखने को मिलते हैं सील में, जो डिस्कवर हुई है मोहनजोदड़ो के अंदर, जो करीब 2500 बीसी से 1800 बीसी, इतनी पुरानी है। कुछ दूसरे स्टेट जहाँ पे सेम तरह के स्पोर्ट्स किए जाते हैं, एक है कम बाला आंध्र प्रदेश के अंदर, ब्लॉक कार्ट रेसेस महाराष्ट्र के अंदर, कॉक फाइट होती है आंध्र एंड अदर स्टेट्स में, और कैमल रेस होती है राजस्थान में। राजा पर्वा की बात करते हैं, ये एक यूनिक 3 दिनों का फेस्टिवल है उड़ीसा का, जो यहाँ पे सेलिब्रेट करता है ऑनसेट ऑफ मानसून एंड यहाँ पे बिगनिंग ऑफ अर्थ वुमेनहुड की। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड द अर्थ ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुएशन डेज, सारी जो एग्रीकल्चर वर्क है जैसे प्लॉइंग सोइंग, ये सब 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दी जाती है, रोक दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। अब जो प्राइजेस और अवार्ड्स रहे हैं न्यूज में, उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी भाई अवार्ड्स के नाम वगैरह, और उसके बाद उनका डिस्क्रिप्शन। ओके, देखिए पद्मा अवार्ड्स को प्रेसिडेंट ने यहाँ पे प्रेजेंट किया। पद्मा अवार्ड्स क्या है? ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करे जाते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट करे गए थे 1954 में, और हर साल अनाउंस करे जाते हैं रिपब्लिक डे के ओकेशन पे, एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शंस, कुछ टाइम पे नहीं भी ये दिए गए थे, जैसे 1978 में, 79 में, 1993 से 1997 तक। अभी जो अवार्ड है इनको 3 कैटेगरी में यहाँ पे जो है वो रखा गया है, एक है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, और तीसरा है पद्मश्री। पद्म विभूषण ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए ऑफ हाई ऑर्डर दिया जाता है, और पद्मश्री ये डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो रिकोगनाइज करते हैं अचीवमेंट सारी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज या डिसिप्लिन में जहाँ पे एलिमेंट पब्लिक सर्विस के ये इन्वॉल्व हैं। ये कन्फर करे जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन जो पद्म अवार्ड जो कमेटी है वो करती है, जिसे बनाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा हर एक साल। सेल्फ नॉमिनेशन भी किया जा सकता है, हालांकि सरकार मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इंक्लूडिंग दोस्त जो पीएसयूस में काम कर रहे हो, याद रखिएगा ये चीज, हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोस्त वर्किंग विद द पीएसयूस एक्सेप्ट डॉक्टर्स साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स, याद रखिएगा। हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोस्त वर्किंग विद द पीएसयूस एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स दिए जाते हैं साल में एक्सक्लूडिंग पोस्ट थॉलमस, मतलब ये होता है कि मरणोपरांत, इनको एक्सक्लूड करके एंड टू एनआरआई फॉरनर्स ओसीआई को एक्सक्लूड करके ये 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अवार्डीज आर प्रेजेंटेड सनद, मतलब सर्टिफिकेट जिन्हें प्रेसिडेंट साइन करते हैं, और एक मेडल मिलता है। यहाँ पे कोई भी कैश प्राइज नहीं होता दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट आती है साहित्य अकादमी अवार्ड की। साहित्य अकेडमी ने अनाउंस करे साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को 20 लैंग्वेजेस में। अवार्ड्स गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू लैंग्वेजेस में बाद में इंट्रोड्यूस होंगे। लिटरेरी ऑनर में ये एक क्या है सभी समझते हैं, ये एक लिटरेरी ऑनर है, कन्फर एंड कराया जाता है हर साल उन राइटर्स को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बुक्स लिखी हैं लिटरेरी मेरिट में और पब्लिश करी है इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेज। जो 22 लैंग्वेजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में है, इसके अलावा याद रखिएगा इंग्लिश राजस्थानी लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज करी गई है इसके अंदर। अवार्ड की बात करें तो इनके अंदर कास्केट है जिसके अंदर एक इनग्रेव्ड कॉपर प्लेट होती है और एक शॉल होता है, और करीब यहाँ पे 1,00,000 रुपए का अमाउंट भी होता है। साहित्य अकेडमी ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है, रजिस्टर्ड है सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है सरकार के द्वारा आफ्टर द जनपीठ अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज 2021 की। अवार्ड किया गया जर्नलिस्ट मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को। कंट्रीब्यूशन क्या रहा? इनका एफर्ट जो रहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेव करने में, विच इज प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। 2012 में रेसा ने को फाउंड किया था रैपलर को, एक डिजिटल मीडिया कंपनी है, ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके फॉर द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। रेसा ने फोकस करा ऑन फिलिपीन प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे के कंट्रोवर्शियल वॉर ऑन ड्रग कैंपेन पे, जिसने दैट हैज क्लेम्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। रशियन जर्नलिस्ट डिमिट्री एंड्रीविच
मुराटोव ने को फाइंड करा एक न्यूज़पेपर नोवाजा गैजेट. मुराटो हैज़ फॉर डिकेड्स इन्होंने डिफेंड किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को रशिया के अंदर अंडर जो इतनी चैलेंजिंग कंडीशंस में भी, इसलिए इनको ये प्राइस दिया गया है. अब नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2021 का, इसके बारे में आपको बताऊँ, अवार्ड किया गया तंजानिया राइटर अब्दुल रजाक गुम्बा को. ये सब कुछ मिला के मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ. हाँ, तो इनको अवार्ड किया गया, कॉन्ट्रीब्यूशन इनका ये था जो इन्होंने वर्क करा है दैट एक्सप्लोर्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ एफेक्ट्स ऑफ कोलोनिज्म एंड फेट ऑफ द रिफ्यूजीज इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट आता है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड फॉर 2021 अनाउंस्ड. नेशनल स्पोर्ट अवार्ड ये दिया जाता है हर साल ताकि रिकॉग्नाइज करें रिवॉर्ड एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के अंदर. कुछ यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये दिया जाता है स्पेक्टुलर और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स. फिर आता है अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये दिया जाता है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ओवर द प्रीवियस 4 ईयर. और क्वालिटीज अगर आप लीडरशिप स्पोर्ट्समैनशिप और सेंस ऑफ डिसिप्लिन की दिखाते हो तो भी. फिर आती है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दिया जाता है कोचेस को आउटस्टैंडिंग और मेरिटोरियस काम करने के लिए कंसिस्टेंट बेसिस पे और स्पोर्ट्स पर्सन को इनेबल करने के लिए कि वो भी एक्सेल करें इन द इंटरनेशनल इवेंट. फिर आता है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये दिया जाता है ऑनर करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है स्पोर्ट्स में बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट. उसके बाद आता है यहाँ पे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये दिया जाता है कॉर्पोरेट एंटिटीज को, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर की हो, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स को, एनजीओस को, जैसे इसमें स्पोर्ट्स बॉडीज भी आते हैं स्टेट के और नेशनल लेवल के, जिन्होंने एक विजिबल रोल को प्ले करा है स्पोर्ट प्रमोशन के एरिया में और डेवलपमेंट के एरिया में. ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स की ये इस गिवन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है. उसके बाद ऑर्डर ऑफ द्रुक ग्यालपो, ये एक भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ये अवार्ड यहाँ पे ऑनर करता है अपॉन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने जो है दिया गया था, है ना, और ये भूटान नेशनल डे के मौके पे ये अवार्ड करा गया. इट वाज अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ सर्विस ऑफ द पीपल एंड किंगडम ऑफ भूटान. तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है ये. अच्छा, कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो खबरों में रही, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताती हूँ. देखिए, पहली है भास्करा द, थोड़ा सा सही से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको, भास्कर राबदा क्या है थोड़ा समझते हैं. इन एडिशन टू शाका एंड ग्रिगोरियन, भास्कर राबदा को भी यूज करा जाएगा इन द ऑफिशियल कैलेंडर बाय द असम गवर्नमेंट. भास्कर राबदा एरा ये काउंट करा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एन एसेशन ऑफ भास्कर वर्मन, जो कि 7th सेंचुरी में लोकल रूलर थे कामरूप किंगडम के. ये कंटेम्प्रेरी और पॉलिटिकल अलाय भी थे नॉर्थ इंडियन रूलर हर्षवर्धन के. अनलाइक द ग्रिगोरियन, जहाँ पे जो है दिन की शुरुआत मिडनाइट से होती है, असमीज कैलेंडर की शुरुआत अगर हम देखें और अंत देखें तो सनराइज से होता है ओवर 24 आवर्स, है ना, जब से सूरज उगा और जब से डूबा. जो गैप होता है बिटवीन द भास्कर राबदा और ग्रिगोरियन, ये 593 ईयर्स का गैप है इन दोनों कैलेंडर्स में. वाइल ग्रिगोरियन सोलर साइकिल से चलता है, साका और भास्कर राबदा एक लूनर साइकिल को, इसको लूनी सोलर सिस्टम को यूज करते हैं, जो कि दोनों फ्रेजेस पे मून के और सोलर ईयर के बेस करता है. दूसरा है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग. देखिए, हैविंग मेड लिटिल प्रोग्रेस सिंस इट्स लॉन्च इन 2017, ये जो NMCM है, अब इसे हैंड ओवर कर दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को. ये जल्द ही स्टार्ट करेगा कल्चर मैपिंग 75 विलेजेस में. देखिए, इसको सेटअप कब किया गया था, सेटअप किया गया था ताकि यहाँ पे डेटा जो है ना आर्टिस्ट का, आर्ट फॉर्म्स का, जियोलोकेशन का, इसे कंपाइल करें
विद इनपुट्स फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट और आर्ट एंड कल्चर बॉडीज से लेके. तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो इसके थे वो थे आपके नेशनल कल्चर अवेयरनेस अभियान, नेशन वाइड आर्टिस्ट टैलेंट हंट डिस्काउंटिंग प्रोग्राम और नेशनल कल्चर वर्क प्लेस. दूसरा जो है वो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के बारे में. तो हायर एजुकेशन को और रिसर्च को प्रमोट करना इन फील्ड रिलेटेड टू इंडियाज रिच हेरिटेज एंड इट्स कंजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिसाइड करा कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को नोएडा के अंदर यहाँ पे सेटअप करेंगे. ये ऑफर करेगा पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के कोर्सेज हिस्ट्री ऑफ आर्ट में, कंजर्वेशन में और म्यूजियोलॉजी आर्कियोलॉजी वगैरह में. ये काम करेगा एज अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इंटीग्रेटिंग अ नंबर ऑफ स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, जैसे कि एनआरएलसी लखनऊ का है और लखनऊ के साथ यहाँ पे स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज है अंडर द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली वगैरह का है. नेक्स्ट बात करते हैं वतन प्रेम योजना की. लॉन्च करा गया है बाय द गुजरात गवर्नमेंट ताकि लोग जो हैं गुजरात के जो इंडिया के बाहर सेटल्ड हैं, एनआरआईज हैं, उनको यहाँ असिस्ट कर सकें कि आप यहाँ पे डोनेट करिए फॉर डेवलपमेंट वर्क्स इन देयर नेटिव विलेज. ऐसे एनआरआईज 60% जो कॉस्ट है विलेज लेवल प्रोजेक्ट की ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें, वाइल जो बाकी की 40% है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बियर कर लेगी. स्कीम यहाँ पे विलेज लेवल प्रोजेक्ट को कवर करेगा, जैसे स्मार्ट क्लासेस को स्कूल के अंदर, कम्युनिटी हॉल के अंदर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह के अंदर. उद्देश्य ये है कि हम ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाएं जिसकी 1,000 करोड़ रुपए तो वर्थ हो बाय दिसंबर 2022. उसके बाद विस्लिंग विलेज की बात करते हैं. दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नॉमिनेट करा मेघालय के कोंगथोंग विलेज को, जिसे हम लोग विस्लिंग विलेज के नाम से भी जानते हैं, फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए. दो और विलेजेस को भी नॉमिनेट किया गया है, एक है पोचमपल्ली तेलंगाना का और एक है लादपुरा खास मध्य प्रदेश का. देखिए विस्लिंग विलेज की बहुत यूनिक ट्रेडिशन होता है ना, जिगर वेलाओ बेल, जहाँ पे जो माँ होती है वो एक ट्यून देती है ना आपकी, या आपका लुल्ला बाई कह लो, ये देती है अपने बच्चे को बर्थ के टाइम पे. और विलेजेस हैव टू नेम्स, अ रेगुलर नेम एंड अ सॉन्ग नेम. ठीक है, जो विलेजर्स होते हैं ना, एक जो है यहाँ पे उनका एक नाम होता है रेगुलर, एक होता है सॉन्ग नेम. अब यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर भी न्यूज में रहा है, थोड़ा सा करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बताऊंगी, हालांकि आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा. सरकार ने रीओपन करा है करतारपुर कॉरिडोर को पाकिस्तान के साथ में, और जो अभी हो चुका अब तो है ना, जो गुरु पूरब था उसमें और बर्थ एनिवर्सरी थी फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक जी की उनमें. करतारपुर कॉरिडोर की जो इनॉग्रेट किया गया वो 2019 में किया गया था, कमेमोरेट करने के लिए 550th बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक जी की. कॉरिडोर यहाँ पे डेरा बाबा नानक को इंडिया के अंदर जो है उसे कनेक्ट करता है विद श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को, जो कि पाकिस्तान के अंदर है ईस्ट बैंक में, और वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी जो पड़ते हैं दोनों, तो इस पे लोकेटेड है. गुरु नानक ने अपने जीवन के 18 साल करतारपुर में बिताए थे और करतारपुर कॉरिडोर अलाउ करता है फ्री वीजा फ्री डे ओनली ट्रैवल टू श्री करतारपुर साहिब फॉर डिवोटीज भक्तजन के लिए. निहंगास की नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं. निहंग ये एक ऑर्डर ऑफ सिख वॉरियर्स हैं जिन्हें कैरेक्टराइज करा जाता है, देखा है बड़ी बड़ी ब्लू कलर की रोप्स ऊपर बिल्कुल बॉडी पगड़ी बांधते वो लोग, एंटीक्वेटेड आर्म्स जैसे कि स्वॉर्ड्स वगैरह, स्पीयर्स वगैरह एंड इसमें टर्बन्स, बहुत खूबसूरत पगड़ी जो इनकी होती है वो डेकोरेट मतलब डेकोरेट होती है स्टील क्वार्ट्ज से. जो ऑर्डर है ये आप ट्रेस बैक कर सकते हैं तो द क्रिएशन ऑफ द खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह, 10th सिख गुरु थे 1699 में. जो टर्म निहंग है वो दिखाता है कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज क्लैन की, इनके फ्रीडम की, कि ये डरते नहीं हैं अपनी डेंजर से या डेथ से, है ना, एकदम तैयार रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कोई अटैचमेंट नहीं है इनको वर्ल्डली पोजेशन से. निहंग आज की डेट में सेवरल ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, अगर बात करें तो ये दो दल में डिवाइडेड हैं, बुद्धा दल और तरुणा दल. मतलब इनिशियली इन्होंने नेम्स इनिशियली मतलब ये जो बुद्धा दल है और तरुणा दल है ना, ये नाम जो है इनिशियली दिए गए थे दो सेक्शंस को जिनमें खालसा आर्मी को डिवाइड किया था, मतलब डिवाइड थी 1733 में. निहंग का मेजर रोल होता है सिख पंथ को डिफेंड करना आफ्टर द जो फॉल ऑफ फर्स्ट सिख रूल जो 1710 से 15 में हुआ था, और ड्यूरिंग द ऑनस्लॉट ऑफ अफगान इन्वेडर अहमद शाह दुर्रानी जो 1748 से 67 तक हुआ था.
गतका कहते हैं, गतका। गतका एक मार्शल आर्ट है पंजाब के अंदर, इसे न्यंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका भरिता लासक हस्ता पानी, ये एक कार्निवोरस रेप्टाइल स्पीशी है जो 240 मिलियन ईयर्स पहले रहता था, एंड ये इट माइट बी द लार्जेस्ट प्रीडेटर्स इन दैट इकोसिस्टम। ये एक जीनस से बिलोंग्स करता है, स्पीशीज प्रीवियसली अननोन था, मतलब जिसे कहते हैं आपका भरिताला सुचुस्तपानी। तेलुगु के अंदर भारी का मतलब होता है ह्यूज, ताला का मतलब होता है हेड, चुचुस का मतलब होता है इन द नेम ऑफ इजिप्शियन क्रोकोडाइल हेडेड डीटी। फॉसिल्स जो है वो देखने को मिलते हैं ऑन द रॉक्स ऑफ द यरापल्ली फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन है ना आपका प्राणहिता गोदावरी बेसिन में तेलंगाना के अंदर, वहां पे इसके फॉसिल मिले हैं। डायनासोर स्पीशी फुटप्रिंट्स इन थार डेजर्ट, तो फुटप्रिंट्स 3 डायनासोर स्पीशी के थार डेजर्ट में देखने को मिले राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे तीनों स्पीशीज अर्ली जुरासिक पीरियड के हैं, ये सारे कार्निवोर थे। और थार डेजर्ट ये 18th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट लैंड है एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड है, एज 40% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है राजस्थान की वो थार डेजर्ट में रहती है। अगर आप गए होंगे घूमने के लिए यहाँ पे जैसलमेर तो आपने देखी होगी। ये सतलज रिवर से शुरुआत होती है एंड इंक्लोज्ड है बाय द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, अरावली माउंटेन्स एंड द इंडस रिवर। इसके साथ डिस्कवरी ऑफ ड्रैगन मैन स्कल की चाइना में हुई, देखते हैं क्या है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एटलीस्ट 1,40,000 ईयर्स पुराना एक बहुत बड़ा सा फॉसिलाइज्ड स्कल, जो एक नई स्पीशी है एशियंट ह्यूमन की। देखिए सिंस नई स्पीशीज जो मानी जाती हैं ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं ह्यूमन से देन इवन नियान डरथाल्स, दिस कुड बी फंडामेंटली ऑल्टर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एवोल्यूशन। तो देखें जो नेम है ये एक डिराइव हुआ है फ्रॉम लॉन्ग जियांग, जिसका मतलब होता है ड्रैगन रिवर, और ये थर्ड लिनेज फॉर्म करता है लेटर ह्यूमंस की अलॉन्ग साइड द नियंडरथल्स एंड होमोसेपियंस के अलावा भी। अब इसके बारे में मैं डिटेल से कभी बताऊंगी फुर्सत से एक अलग तरह से, क्योंकि अभी तो ये PT365 है, बहुत लंबा चौड़ा चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई ये पूरी कहानी है यहाँ पे, इसी के साथ कल्चर मैगजीन ओवर होती है। मैं इसकी एक कंपाइलेशन बना दूंगी, क्या पता आप जब कंपाइलेशन सुन रहे हो तो भी यही सोच रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड टेल योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। बाकी यू कैन ऑल्सो सपोर्ट मी इन माई वर्क बाय ज्वाइनिंग माई मेंबरशिप एंड यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियोज ऑन फेसबुक एंड यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।